Hello students, today we are going to discuss our next chapter of power electronics, that is power supply. Under that chapter, the first topic is regulated DC power supplies. So हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये वाला टॉपिक जो है हमने काफी बार डिस्कस किया भी होगा हमारे प्रीवियस सेमेस्टर्स में या इस प्रेजेंट सेमेस्टर में. पावर सप्लाई होता क्या है और रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई क्या होता है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सप्लाई, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो पावर सप्लाई क्या होता है? फॉर प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक कॉन्स्टेंट डीसी सोर्स इज रिक्वायर्ड. हमें पता है कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है वो डीसी सोर्स से चलते हैं या डीसी पावर से वर्किंग करते हैं, ठीक है. सो हमें प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर डीसी सोर्स चाहिए हर टाइम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए. वो इट मे बी ऑफ स्मॉल वैल्यू, इट मे बी ऑफ हाई वैल्यू. वो किसी भी वैल्यू का हो सकता है, स्मॉल वैल्यू का भी या हाई वैल्यू का भी. एक तो डीसी सोर्स जो होता है वो हमें पता है डीसी बैटरीज होती हैं, जिसमें ट्राई सेल्स, लेड एसिड बैटरी या निकल कैडमियम बैटरीज आ जाती हैं, ठीक है. दीज आर यूज फॉर डीसी सोर्स, बट ड्यू टू द हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है एंड देयर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, और इसको हमें थोड़े थोड़े देर बाद रिप्लेस करना पड़ता है जब ये डिस्चार्ज हो जाती है या इसको चार्ज करना पड़ता है, विच इज़ अ कॉस्टली मेथड. सो इट इज़ रेयरली यूज विद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है जी. सो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कॉन्स्टेंट और रेगुलर पावर सोर्स जो है वो बन जाए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए. और वो क्या हो सकता है? इन एक्चुअल डीसी पावर फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कमर्शियल एसी लाइंस यूजिंग ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट. हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट लगाते हैं, जो कि एसी सप्लाई को कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में, और वो एक डीसी सोर्स की तरह काम करता है. दैट डिवाइस इज कॉल्ड पावर सप्लाई और ऑर्डिनरी पावर सप्लाई. इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पावर सप्लाई, ठीक है जी. The output from such ordinary power supply is rarely constant DC voltage. वो कहते हैं कि ordinary power supply की जो output होती है वो बहुत ही कम ऐसा मौका आता है कि वो constant DC voltage दे. क्यों? Because the DC output voltage changes directly with the change in input AC voltage. हमें पता है कि अगर हम normal transformer, rectifier या filter circuit use करेंगे तो जो transformer है अगर उसकी इनपुट वोल्टेज ही वेरी हो जाए, हमें पता है हमारे जो इनपुट वोल्टेज आती है दैट वेरीज फ्रॉम 220 टू 250 वोल्टेज, ठीक है, एसी की. तो अगर इनपुट वेरी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी वेरी होगी, और आउटपुट वेरी होगी तो जो हम लोड दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वो उस पर आउटपुट जो है वो चेंज होके आएगी. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द ऑर्डिनरी पावर सप्लाई, ठीक है जी. नेक्स्ट, मोर ओवर द डी सी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑर्डनरी पावर सप्लाई डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लोड करंट. अब हमारे पास जो जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं उन सबकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है. इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, उस पर उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, और अगर वोल्टेज जितनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी लोड करंट बढ़ जाएगा, लोड करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा. और ये ऑर्डिनरी पावर सप्लाई की दूसरी ड्रॉबैक है. एक तो है इनपुट एसी सप्लाई की चेंज हो गई तो उसके कारण आउटपुट डीसी चेंज हो गई, दूसरा जो उनके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं उसमें जो लोड लगा है अगर लोड में वेरिएशन आ गई तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप के कारण, ठीक है. सो नेक्स्ट, फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑर्डिनरी पावर सप्लाई द रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई इज यूज. हम उस ड्रॉबैक को खत्म करना चाहते हैं ऑर्डिनरी पावर सप्लाई की और बेटर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं विद द सोर्स, और उस सोर्स को बोलते हैं रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, ठीक है जी. नेक्स्ट, अब इसके बारे में कुछ डेफिनेशन दी हुई है. ए डीसी पावर सप्लाई दैट मेंटेन्स द आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट irrespective of the fluctuations in AC mains or variation in load is called regulated DC power supply. वो कहते हैं एक ऐसी पावर सप्लाई है जो आउटपुट वोल्टेज को हमेशा मेंटेन रखती है, कॉन्स्टेंट रखती है, irrespective of the fluctuations in AC mains. चाहे AC mains पीछे से चेंज भी हो जाए तब भी वो उसको कॉन्स्टेंट रखेगी, या वेरिएशन इन लोड भी आ जाए तब भी ये उसको मेंटेन रखेगी या कॉन्स्टेंट रखेगी डीसी पावर को आउटपुट पे. सो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई. अब इसमें क्या लगा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी, ये वाला.
रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फिल्टर सर्किट जो रिपल्स वाली हमारे पास डीसी या पल्सेटिंग डीसी आई होती है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। और सम रेगुलेट वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस जो कि उस वोल्टेज को रेगुलेट करके कांस्टेंट आउटपुट देते हैं लोड को। ठीक है जी। सो ये चार चीजें जो है एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई में यूज होती हैं। इसके बारे में आगे भी पढ़ते हैं। द अबव ब्लॉक डायग्राम कैन बी रीड्रॉन एज, इसका हम सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं पावर सप्लाई का। सर्किट डायग्राम में क्या दिया होगा, ब्रिज रेक्टिफायर दिया होगा इस रेक्टिफायर सर्किट की जगह, एंड जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर दिया होगा इस वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस की जगह। ठीक है जी। आगे देखते हैं, ये सर्किट बना हुआ हमारे पास, दिस इज द सर्किट जी। इसमें क्या है, देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक। उसके बाद ये रेक्टिफायर सर्किट लगा है, ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो है मेन सप्लाई यहाँ से आई, ये रिड्यूस होके यहाँ पे मिल गई हमें ट्रांसफार्मर की वजह से एसी पावर सप्लाई। और जब रेक्टिफायर लग गया, ब्रिज रेक्टिफायर, ये क्या, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया पल्सेटिंग डीसी में। हमें प्योर डीसी अभी भी नहीं मिली, वो कहाँ से मिलेगी, दिस इज द फिल्टर सर्किट। ये पाई फिल्टर सर्किट है, इसका काम क्या है, पल्सेटिंग को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। पर जो प्योर डीसी है दैट इज ऑफ डिफरेंट वोल्टेज जो हमें लोड पे चाहिए। ठीक है। उसको कांस्टेंट करने के लिए हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया, जहाँ यहाँ पे जीनर डायोड शो किया। आगे हम पढ़ेंगे इसके आईसी के बारे में। ठीक है। तो हमें प्योर एंड रेगुलेटेड डीसी जो है वो आउटपुट में मिलनी शुरू हो गई। ठीक है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। ये आपने पेपर में भी बनाना है, दोनों तरह के ब्लॉक डायग्राम भी और सर्किट डायग्राम भी। नेक्स्ट इसके बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डीसी वोल्टेज रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज लेस, क्वाइट लेस, दैट इज फ्रॉम 3 to 24 वोल्ट। हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 3 से लेके 24 वोल्ट तक, जो कि एक बहुत वेरी इट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ए सी मेन लाइन। हमारे घर पे आ रही है 220 से 250 वोल्ट और यहाँ पे चाहिए 3 से 24 वोल्ट। सो हम उसके लिए उसको स्टेप डाउन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इट इज यूज फॉर दिस पर्पज बिफोर रेक्टिफिकेशन टू गेट द वोल्टेज ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू। हमें जितनी चाहिए उतना हम स्टेप डाउन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। इट कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग जो कि एसी सप्लाई से यूज करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि हम रेक्टिफायर सर्किट को देते हैं। ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ऑलरेडी हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज रेक्टिफायर, इसके बारे में भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये तीन तरह के होते हैं, हाफ वे, सेंटर टैप, फुल वे एंड फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर को यूज किया गया है, विच इज यूज टू कन्वर्ट द एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। ठीक है जी। ये क्यों यूज किया है, बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस ओवर एनी अदर टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। ठीक है। इसकी आउटपुट क्या होगी, पल्सेटिंग डीसी। उसके बाद हमने यूज किया पाई फिल्टर, फिल्टर भी हमने पढ़े हुए हैं, चार तरह के होते हैं, इन कैपेसिटर इनपुट, पैरेलल शंट कैपेसिटर, फिल्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर, देन एलसी फिल्टर सर्किट, और लास्ट पाई फिल्टर। तो पाई फिल्टर है दैट इज, उसमें हम कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों यूज करते हैं इन द पाई शेप। ठीक है जी। ये फिल्ट्रेशन के काम आता है, मतलब ये क्या करता है, रिपल्स को रिमूव करता है, जो पल्सेटिंग डीसी है उसको कन्वर्ट करता है प्योर डीसी में, एंड टू स्मूथ इट आउट। ठीक है जी। ये अब द डीसी आउटपुट ऑफ फिल्टर आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द एसी मेन एंड अप्लाइड लोड। जो इस पॉइंट तक जो जो डीसी हमें बाहर मिल रही है वो डिपेंड करेगी एसी मेंस पे और जो लोड दिया है उस पे। ठीक है जी। उसको कांस्टेंट करने के लिए हमें लास्ट जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। यूजुअली जीनर डायोड भी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम ला सकते हैं, बट जो आईसीज होते हैं वो हम ज्यादा यूज करते हैं फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर पर्पस, बिकॉज ये चीप और मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। The voltage regulator is employed that keeps the DC output voltage constant even if there is variation in AC main or the load. अगर पीछे से main जो supply है वो भी change होती रहे या load change हो जाए तब भी ये constant voltage output देंगे हमें। ठीक है। इसके बारे में next पढ़ते हैं। सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, ये दोबारा repeat हो गया section। तो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो पहला इन्होंने देखो दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर क्वाइट सेंसिटिव टू द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मतलब जो इनपुट वोल्टेज है उसके सारे ही सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, इनपुट चेंज की आउटपुट पे वोल्टेज चेंज होकर मिल रही है। पर हमें क्या चाहिए,
कॉन्स्टेंट स्टेडी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए ऑर्डिनरी पावर सप्लाई कांट गिव अ स्टेडी वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि एज एनी फ्लक्चुएशन इन एसी मेन विल रिजल्ट इन आउटपुट फिल्टर सर्किट, सो दिस विच इन टर्न विल लीड टू अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ द कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। सो ऑर्डिनरी पावर सप्लाई इस पर्पज को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए क्या जरूरत पड़ी हमें रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की, ठीक है जी। नेक्स्ट, whenever some load is connected to ordinary power supply, the output voltage changes to larger extent, which is reduces due to high internal resistance of ordinary power supply. अगर वो कहते हैं कि ordinary power supply use करते हैं तो जो output voltage है वो already reduce होके मिलती है क्योंकि उसकी internal resistance that is very high, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, हमें जो लो वोल्टेज पे काम करना पड़ता है, सो वो भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज रिड्यूसेस, वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस हो जाएगी। सो उसको भी खत्म करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। सो दो चीजों को ड्रॉबैक खत्म किए इसने, एक तो एसी मेंस चेंज हो रहा है वो उसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रही थी उसको खत्म कर दिया इसने, एक जो लोड चेंज कर रहे हैं हम, हाई रेजिस्टेंस आ रही है इंटरनल, उसके कारण जो लोड वोल्टेज चेंज होगी वो खत्म कर दिया इसने, ठीक है। हाँ जी, अब जब मेन डिवाइस जो इसको कॉन्स्टेंट रख रहा है वो है वोल्टेज रेगुलेटर, होता क्या है, a device which maintains the output voltage of an ordinary power supply constant irrespective of the change in input AC volt is called voltage regulator, ठीक है। जो हमें output पे constant power supply provide कर रहा है irrespective of the change in AC mains voltage, ठीक है। These are used in all electronic equipment where performance may deviate due to change in supply voltage or change in load resistance, वो कहते हैं हर equipment में use करते हैं जहाँ पे जो हमें आउटपुट पावर है वो चेंज होने का डर होता है ड्यू टू मेन सप्लाई, ठीक है। द पर्पस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज टू प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज, अगेन वही रिपीट हो गई लाइन, ठीक है जी। द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कैन बी रियलाइज्ड विद जीनर और ऑप एम्प, वो कहते हैं दो तरह के हो सकते हैं, विद जीनर भी बना सकते हैं हम और ऑप एम्प के हेल्प के साथ भी वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं, बट इट इज ईजियर टू यूज आईसी वोल्टेज रेगुलेटर since ICs are cheaper and available in the market for regulation of different voltage. अब वो कहते हैं कि हो सकता है जीनर और ओप एम से भी बना सकते हैं, पर उसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम वेरिएबल पावर, मतलब हम जितनी मर्जी पावर सप्लाई ले सकें, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं। सो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो इसके वोल्टेज रेगुलेटर के आईसी आते हैं मार्केट में, अवेलेबल भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, वो ज़्यादा यूज होते हैं फॉर द एज अ रेगुलेटर, ठीक है। दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर एंड एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है जी। फिक्स्ड क्या होता है, नाम में लिखा है, द फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड्स फिक्स्ड कांस्टेंट वोल्टेज एट आउटपुट, दिस वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ चेंज इन लोड एंड सप्लाई वोल्टेज, द परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर सच एज लाइन रेगुलेशन एंड वोल्टेज रेगुलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर एंड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, दो तरह के होते हैं और ये कांस्टेंट आउटपुट देते हैं हमें। सबसे पहले पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ते हैं, वो कौन सा होता है जिसकी सीरीज जो है 7-8 से शुरू हो, ठीक है जी। दैट दिस टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड्स फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज, दीज रेगुलेटर आर अवेलेबल इन मार्केट विद डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग, एग्जाम्पल है 7-8XXX सीरीज, ठीक है। ये पॉजिटिव रेगुलेटर की निशानी है जो 7-8 से शुरू होगा, क्लियर। तीन पिन का होता है, फर्स्ट पिन इनपुट, सेकंड पिन कॉमन होती है जिसको ग्राउंड करते हैं, थर्ड पिन इज आउटपुट पिन, क्लियर। और ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने, इंटरनल डायग्राम होता है ये, कि अगर इसको प्रॉपर यूज करना है विद द हेल्प ऑफ दो कैपेसिटर के साथ हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। द वोल्टेज टू बी रेगुलेटर इज अप्लाइड एट पिन वन, जो पिन जिस वोल्टेज को हमने रेगुलेट करना है वो पिन वन पे देते हैं और जो रेगुलेटेड वोल्टेज है वो पिन थ्री पे मिलती है, ठीक है। व्हेन रेगुलेटर इज यूज्ड इन सर्किट इन मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ए बाईपास कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एंड कॉमन एंड सिमिलरली बिटवीन आउटपुट एंड कॉमन, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि when regulator is located in circuit at few distance from filter circuit, the inductance of connecting wire may produce oscillation. वो कहते हैं जो filter circuit में inductor लगा होता है उसके कारण कुछ oscillations produce हो जाती हैं, उसको bypass करने के लिए ये दोनों capacitor use करते हैं, ठीक है जी। Next है, इसके आगे दिया हुआ है कि जो 7-8 series regulator है that has ड्रॉप आउट वोल्टेज 2 to 3 volt, मतलब ये 2 से लेके 3 वोल्टेज तक ड्रॉप कर सकता है, वोल्टेज को वेरी कर सकता है, ठीक है जी।
it this means that it can regulate DC voltage if V in is 2 to 3 more than the output voltage. ठीक है, पर अगर इससे ज्यादा वोल्टेज एक्सीड कर जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 15 है और मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ 5 वोल्ट, तो ये बीच में गैप आ गया 10 वोल्ट का, तो ये काम नहीं करेगा. मैक्सिमम 2 से 3 वोल्ट का गैप होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है, इट कैन हैंडल 1 एम्पियर ऑफ लोड करंट इफ प्रॉपर हीट सिंक इज यूज. अब ये कितना लोड करंट जो हैंडल कर सकता है, 1 एम्पियर. ठीक है, और वो भी अगर प्रॉपर हीट सिंक यूज की हो. इट हैज इनबिल्ट थर्मल एंड करंट प्रोटेक्शन सर्किट. इसके अंदर ही थर्मल एंड करंट प्रोटेक्शन सर्किट होती है, जो कि टेम्परेचर राइज करने पे या करंट राइज करने पे ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ये खुद उसको टर्न ऑफ कर देता है, रेगुलेटर को खराब नहीं होने देता आगे आउटपुट को. ठीक है, सो इट इज अवेलेबल इन 7 वोल्टेज ऑप्शन. 7 7 तरह के होते हैं. 7805 जो 5 वोल्ट देता है, मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है वो आउटपुट वोल्टेज कंसिडर होती है. 7806 6 वोल्ट के लिए, 7808 8 वोल्टेज के लिए, 7812 12 वोल्ट के लिए, 7815 15 के लिए, 7818 18 वोल्ट के लिए, 7824 24 वोल्ट के लिए. ठीक है जी, जो इनपुट वोल्टेज रेंज होगी दैट इज फ्रॉम 8 to 35 वोल्ट, और दिस इज द पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर. नेक्स्ट नेगेटिव. अब नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या आ गया, जो पॉजिटिव था वो 7-8 सीरीज से शुरू होते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर, और जो नेगेटिव है वो 7-9 सीरीज से शुरू होते हैं. दैट्स इट, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है जी, जो दो तरह के होते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, 7805 वो पॉजिटिव रेगुलेटर है, और 7905 वो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर. ठीक है, वो फिक्स्ड वोल्टेज देंगे नेगेटिव में. दिस टाइप ऑफ रेगुलेटर प्रोवाइड्स फिक्स्ड नेगेटिव डीसी वोल्टेज एट आउटपुट टर्मिनल. ये भी 7 तरह के होते हैं, -5, -6, -8, -12, -15, -18, -24, मतलब ये 7905, 7906, 7908 ऐसे यूज होंगे. This is a 3-terminal device. Pin 1 is ground. इसमें pin 1 जो है वो ground है, pin 2 input है, और pin 3 output होगी. ठीक है, बाकी सारा कुछ similar है with the 7-8 series. ठीक है, बाकी सब कुछ इसकी performance parameters जो हैं इसके भी वही है जो उनके थे, line regulation, load regulation, ripple rejection and temperature stability. ठीक है, next इसके बाद adjustable voltage regulator. अब ये कौन से regulator होंगे, हमने fix तो पढ़ लिया. एडजस्टेबल का मतलब है कि हमें कई बार ऐसे सर्किट की जरूरत पड़ती है जो जिसकी हमें बार बार जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें वेरी करके चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमें अभी 5 वोल्ट चाहिए उसी डिवाइस से, थोड़ी देर बाद हमें उससे 8 वोल्टेज चाहिए, तो वो वेरी हो रही है आउटपुट वोल्टेज, उसके लिए हम फिक्स्ड रेगुलेटर नहीं यूज कर सकते. तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने पड़ते हैं. ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एडजस्टेबल और नेगेटिव एडजस्टेबल रेगुलेटर्स. ठीक है, ये भी ICs होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टर्मिनल्स. ठीक है जी, जो LM317 सीरीज है वो यूज होता है फॉर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर. ये डायग्राम बना है, इसमें एक पिन होती है एडजस्ट की, एक होती है Vout की, एक होती है Vin की. जो एडजस्ट पिन है, इस पे हम रेजिस्टर लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, जो कि वेरी करता है अकॉर्डिंग, जिसको वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटपुट रिक्वायर्ड. ठीक है, ऐसे ही LM337 IC है, वो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, उस पर आउटपुट हमें नेगेटिव मिलती है. ठीक है जी, और ये दोनों रेगुलेटर जो है दैट कैन प्रोवाइड आउटपुट वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 1.25 to 37 वोल्ट्स. अगर पॉजिटिव है तो प्लस की, अगर नेगेटिव है तो -1.25 से -37 तक हम आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है, और जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, वर्किंग है, ये इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ICs आर सिमिलर टू फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर ICs. तो बाकी सारा कुछ है वो सारा कुछ वैसे ही है, उसकी भी प्रोटेक्शन सर्किट लगा है, इसके अंदर भी प्रोटेक्शन सर्किट लगा. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए वोल्टेज रेगुलेटर का या पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम का, तो हम इस वीडियो से वो सारा कवर कर सकते हैं. ठीक है जी, अगर कोई क्वेरी हो तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं. थैंक यू.